अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं दीपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। अलंकार के बारे में अब अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेदों के बारे में और उसके उपभेदों के बारे में हम चर्चा पहले वाली क्लास में कर चुके हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण जो कि शोभा बढ़ाते हैं, और काव्य में अलंकार किस प्रकार शोभा बढ़ाते हैं वो हमने उदाहरण के माध्यम से देखा। उसके बाद हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी, फिर अलंकार के भेद, दो भेद करते हैं हम, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें शब्दालंकार के हम तीन भेद कर पढ़ चुके हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार के जो मुख्य पांच उपभेद किए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम उपमेय और उपमान के बारे में जान लेते हैं कि उपमेय और उपमान क्या होता है। इसका अलंकार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय, याद रखना आप, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जाए उसे हम उपमेय से संबोधित करते हैं, और उपमान जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाती है वो उपमेय और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। ये दोनों आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार के बारे में परिभाषा की गई है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करना, किन किन के आधार पर, उसकी समानता के आधार पर, उसके रूप के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर। तो परिभाषा है कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से उसकी समानता, उसके गुण, उसके धर्म, उसके रूप आदि के आधार पर करना। उदाहरण देख लेते हैं हम, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब किसकी तुलना की गई है? सीता की तुलना की गई किससे? चंद्रमा से, कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करना उसके गुण, धर्म, उसकी समानता के आधार पर। तो ये है उपमा अलंकार। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता आ जाना। समानता के कारण जहाँ पर उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार का उदाहरण देखते हैं हम, इसके अंदर उपमेय और उपमान आप समझ जाएंगे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, ये उदाहरण है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब इसके अंदर बताया है चंद्रमा क्या है? उपमेय है। उपमेय यहाँ ऊपर लिख रखा था, जिससे तुलना की जाए। खिलौना क्या है? उपमान, जिसकी तुलना की जाए। अब खिलौने की तुलना चंद्रमा से की जा रही है कि खिलौना जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो चंद्रमा क्या हुआ यहाँ पर? उपमेय, जिससे तुलना की जा रही है। और खिलौना क्या है यहाँ पर? उपमान, जिसकी तुलना की जा रही है। खिलौने की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की आपको परिभाषा ध्यान रखनी है कि समानता के कारण जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई देती है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर आपके सामने है, बहुत ही सरल उदाहरण है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यानी मुझे चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए। चंद्रमा उपमेय है जिससे तुलना की जा रही है, और खिलौना उपमान है जिसकी तुलना की जा रही है। तो ये थे आपके दो अलंकार अर्थालंकार के तहत, एक है आपका उपमा अलंकार और एक है आपका रूपक अलंकार। इसके आगे के हम अलंकारों को भी पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा अगला अलंकार जिसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना, उपमेय जिससे तुलना की जाती है और उपमान जिसकी तुलना की जाती है, तो दोनों में कल्पना की जाती है वाक्य को लेकर। और इसके अंदर हम जब कोई उदाहरण पेश करते हैं, कोई उदाहरण लिखते हैं, तो उसमें हम मनु, जानो, मानो या जनु, ऐसे उदाहरणों को हम ऐसे उदाहरण के माध्यम से हम वहाँ पर बता सकते हैं। तो ये जो चारों शब्द हैं ये कल्पना को संबोधित करने वाले शब्द हैं। इसके माध्यम से हम वाक्य में, हम जो उदाहरण है उसके अंदर हम कल्पना देख सकते हैं, किस प्रकार की कल्पना की गई है। तो परिभाषा बहुत ही सरल है उत्प्रेक्षा की, कि जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को संबोधित करने के लिए या फिर बताने के लिए वहाँ पर हम
मनु, जानो, मानो, जनु ऐसे प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा। अब ये एक बहुत ही सरल उदाहरण है, इसके अंदर कहा है जो क्रोध के तन, जो क्रोध के कारण उसका जो शरीर कांपने लगा है, क्रोध के कारण जो उसका शरीर कांप रहा है मानो। अब यहाँ पर जो ये मानो आया है, ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी किसको संबोधित कर रहा है, कल्पना को संबोधित कर रहा है। किसको? कल्पना को। कि वाक्य में एक इमेजिनेशन की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा, यानी उसका जो क्रोधित होता हुआ शरीर इस प्रकार से कांप रहा है मानो, यानी ऐसा लग रहा है कि हवा के वेग से जो सागर, जो नहीं बहता हुआ सागर है, जो सोता हुआ सागर है, वो भी जाग उठा है। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना को बताया गया है, इमेजिनेशन को बताया गया है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है और ये उदाहरण भी बहुत ही सरल है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये था उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे हम एक और अलंकार पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं हमारा अगला अलंकार, जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जो शब्द है उसका अर्थ ही यही होगा कि बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर किसी की बात कहना। तो किसी वस्तु या फिर पदार्थ का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वो कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का उदाहरण देखते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब यहाँ पर जो साकेत नगरी है उसकी ऊंचाई का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ऊंचाई से किस प्रकार से संबोधित किया है कि यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, जो स्वर्ग है स्वर्ग से मिलने के लिए वो आकाश की तरफ जा रही है। साकेत नगरी को इतना ऊंचाई पर बताया है कि ऐसा लग रहा है कि साकेत नगरी जो है वो बहुत ऊंचाई पर है और मानो ऐसा लग रहा है कि वो आसमान को छूने के लिए स्वर्ग में जा रही हो। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है साकेत नगरी के बारे में। इतनी ऊंची साकेत नगरी है नहीं, सिर्फ कल्पना के माध्यम से बताया है और बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करी है कि साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी यही है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत ही सरल अलंकार है जिसमें किसी पदार्थ या फिर वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। आगे हम देखते हैं अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार क्या होता है? तो जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाता है। अप्रस्तुत के द्वारा यानी आश्रित और आश्रयदाता, इन दोनों का वर्णन किया जाता है। जो आश्रय देने वाला है और जो जिस पर आश्रित है उनका व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाता है। जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए वहां पर अनियोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुप्रीति बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। अली का अर्थ यहाँ पर क्या है? भौरे है। अली को क्या, किससे संबोधित किया है? भौरों से संबोधित किया है। तो कह रहे हैं कि भौरों के माध्यम से कवि किसी गुणवान व्यक्ति या फिर कवि को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि जिसका आश्रयदाता कौन था? पतझड़ था। जिसका आश्रयदाता पतझड़ की गुलाब की तरह पुष्पहीन यानी कि धनहीन हो गया है। जो कवि है जिसका आश्रयदाता कौन था? पतझड़ था। लेकिन पतझड़ का मौसम आ चुका है तो वो जो गुलाब का फूल है वो धनहीन हो गया है। इसी प्रकार से गुलाब भी जो है वो पुष्पहीन हो गया है। जब पतझड़ का मौसम आता है तो हम सभी को पता है कि उस वक्त पत्ते झड़ने लगते हैं, तो उस वक्त भी गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं वो भी पूरी तरीके से झड़ चुकी है। तो वो जो गुलाब है वो पुष्पहीन हो चुका है यानी धनहीन हो चुका है। तो कुल मिला के कहा है कि यहाँ गुलाब और भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत पर व्यंग्यात्मक वर्णन करना अनियोक्ति अलंकार कहलाता है। तो इसमें पतझड़ और जो भौरे हैं, सॉरी जो गुलाब और जो भौरे हैं उसके माध्यम से आश्रयदाता और आश्रित का व्यंग्यात्मक वर्णन किया गया है। तो ये था अनियोक्ति अलंकार, जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए। तो हमने पढ़ा अलंकारों के बारे में, अलंकार क्या होता है। ये जो यहाँ तक जितने भी भेद और भेदों के उपभेद है यहाँ तक का पूरा वर्णन ही आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है और छोटे छोटे नंबरों के आसपास ही आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बताइए या उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए इस प्रकार से। तो ये था
अलंकार, अलंकार की परिभाषा पढ़ी हमने, भेदों के बारे में पढ़ा और भेदों के उपभेद और उपभेद के अंदर भी किसकी क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है, कौन सी परिभाषा क्या कहना चाहती है और खास तौर पर आपको ये उपमेय और उपमान के बारे में पता होना चाहिए। इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है हमें, उपमेय और उपमान। उपमेय जिससे तुलना की जाए, उपमान जिसकी तुलना की जाए, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।